आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता श्री बीएल वर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, माननीय उच्च और तकनीकी शिक्षा टेक्सटाइल संसदीय कार्य मंत्री तथा पुणे जिले के पालक मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, माननीय राजस्व पशुपालन डेयरी विकास मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, सहकारिता मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी, माननीय सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी, माननीय विशेष सचिव सहकारिता एवं केंद्रीय पंजीयक श्री विजय कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता माननीय श्री राजेश कुमार जी, सभा में उपस्थित सहकारिता मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, शुगर फेडरेशन के अधिकारी, देशभर से आए बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पदाधिकारी, सभा में उपस्थित अतिथिगण और मीडियाकर्मी, आप सभी का केंद्रीय पंजीयक कार्यालय डिजिटल पोर्टल शुभारंभ समारोह में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सचिव सहकारिता से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सचिव सहकारिता से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का स्वागत करें। सचिव सहकारिता से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। विशेष सचिव एवं केंद्रीय पंजीयक श्री विजय कुमार जी को निवेदन करती हूँ कि वे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। विशेष सचिव एवं केंद्रीय पंजीयक आपसे अनुरोध है, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करें। धन्यवाद। विशेष सचिव एवं केंद्रीय पंजीयक विजय कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय उप राधाकृष्ण विखे पाटिल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। विशेष सचिव एवं पंजीयक आपसे निवेदन करती हूँ, सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटिल जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं हेमा यादव जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी का स्वागत करें। माननीय हेमा यादव जी से फिर से निवेदन करती हूँ कि विशेष सचिव एवं केंद्रीय पंजीयक श्री विजय कुमार जी का स्वागत करें। मैं विशेष सचिव एवं पंजीयक आपसे निवेदन करती हूँ कि चंद्रकांत दादा पाटिल का स्वागत करें। मैं हेमा यादव जी से अनुरोध करती हूं कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता श्री राजेश कुमार जी का स्वागत करें। मैं विशेष सचिव एवं पंजीयक जी से अनुरोध करती हूं कि वो स्वागत संबोधन करें। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकारिता से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में सहकारिता के क्षेत्र में फैली 8.5 लाख सहकारी समितियों में प्राइमरी से अपेक्स तक एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे उत्साहवर्धन के लिए समय निकाला। मैं माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री दिलीप वलसे पाटिल जी, सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी व ACS महाराष्ट्र श्री राजेश कुमार जी का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आज आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से आए बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पदाधिकारी, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी, शुगर फेडरेशन व सहकार भारती के प्रतिनिधि, मीडिया के मेरे सभी साथी व अन्य अतिथिगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम
बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में वर्षों से लंबित MSCS एक्ट 2002 का संशोधन अधिनियम संसद से पारित हुआ और 3 अगस्त को प्रभावी रूप से लागू हो गया है। इस अधिनियम से संबंधित नियम भी अगले ही दिन 4 अगस्त को नोटिफाई कर दिए गए हैं और आज केवल 2 दिन के बाद इस अधिनियम और नियमों पर आधारित पोर्टल का लॉन्च किया जा रहा है। इतने कम समय में यह सब कर पाना माननीय मंत्री जी के कुशल प्रशासनिक मार्गदर्शन में संभव हो पाया। हमें हर स्टेप पे मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, बड़ा स्पष्ट और सटीक, जिसकी वजह से हम लोग ये काम इतने कम समय में कर पाए। इन सब कदमों से बहुराज्य सहकारी समितियों का प्रशासन सुदृढ़ होगा, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी। इसी के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ श्री भालचंद्र कुलकर्णी, एडिटर ऑफ सहकार सुगंध नेशनल पब्लिकेशन, इंचार्ज ऑफ सहकार भारती, और डॉक्टर मुकुंद तापकीर, सीनियर कोऑपरेटर एंड मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड। आपको निवेदन है कि गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को सरकार महर्षि ग्रंथ भेंट करें। सहकार भारती द्वारा सहकार सुगंध पब्लिकेशन की सहकार महर्षि ग्रंथ की भेंट माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भेंट स्वरूप दी जा रही है। धन्यवाद। 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 नवनिर्मित सहकारिता मंत्रालय ने केवल 2 वर्ष के समय में गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिन पर आधारित सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक फिल्म बनाई गई है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। ये जानकारी आपके बुकलेट में भी शामिल है। सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों पर ये फिल्म एवी प्लीज। सहकारिता का भारत में एक समृद्ध इतिहास रहा है और ये आजादी के समय से ही देश के विकास का एक अहम हिस्सा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सहकारिता के क्षेत्र में ठहराव आ गया था। इसे दूर करने के लिए मौजूदा भारत सरकार ने देश की सहकारी समितियों के कार्यों के विस्तार और नई नीतियों के निर्माण की जरूरत को समझा, ताकि सहकारी समितियों के लगभग 30 करोड़ सदस्यों की आय को बढ़ाने और उनके विकास में मदद मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि से प्रेरणा लेकर 6 जुलाई 2021 को एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। ये देश के 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों का विकास था। प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण,
सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उन्हें एक जीवंत आर्थिक इकाई बनाने की दिशा में पहला कदम है पैक्स की आदर्श उपविधियां तैयार करना, ताकि वे एक वाणिज्यिक इकाई के तौर पर अधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से काम कर सकें। पैक्स का कंप्यूटरीकरण शुरू हो चुका है और सारे कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं। इससे कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ेगी और कारोबार भी बेहतर होगा। इससे नई गतिविधियों के क्षेत्र में सहकारी समितियों की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे अनाज भंडारण, जल आपूर्ति का प्रबंधन, ई सेवाएं प्रदान करना, पेट्रोल डीजल एलपीजी वितरण, ग्रामीण समुदायों में जेनेरिक दवाएं बेचना और किसानों को उर्वरक बेचना इत्यादि। सहकारी समितियों के लिए आयकर कानून में राहत। कॉर्पोरेट्स की तुलना में सहकारी समितियों के लिए कर नियम अलग थे। सहकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इस दिशा में कदम उठाया और असमानताओं को दूर कर कोऑपरेटिव को कंपनियों के बराबर का दर्जा दिया है। सहकारी समितियों की ताकत को बढ़ाने के लिए उनके लिए कर की दरों को भी कम किया गया है। सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण। सहकारी बैंकों की चुनौतियों और समस्याओं को दूर करते हुए मंत्रालय ने कई जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि सहकारी बैंकों को भी दूसरे वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाया जा सके और एक मजबूत कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रणाली का निर्माण हो। सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान। भारत चीनी के बड़े निर्यातकों में से एक है। पिछले कई दशकों से चीनी मिलें आयकर नीतियों और संसाधनों के खराब प्रबंधन के कारण घाटे में रही हैं। सहकारी चीनी मिलों को नया जीवन देने और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने दशकों पुरानी आयकर संबंधी समस्याओं का निवारण किया, जिससे चीनी मिलों को 10,000 करोड़ से अधिक की सीधी राहत प्राप्त हुई है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की है। इनकी स्थापना किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता, जैविक उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। सहकारी क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण। सहकारिता मंत्रालय ने कौशल विकास, सहकारी शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श और प्रशिक्षण में कई अहम कदम उठाए हैं। इससे प्रशिक्षित कर्मियों की एक नई पीढ़ी तैयार होगी, जो विस्तारित सहकारी क्षेत्र के कुशल प्रबंधन में अपना योगदान देगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस। सहकारी समितियों के बेहतर नीति निर्माण और प्रबंधन में सुधार के लिए नई सहकारिता नीति तैयार की जा रही है। देश की सभी सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। जेम पोर्टल पर सहकारिता समितियां बतौर क्रेता के रूप में शामिल करना। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का विस्तार। NCDC ने विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए स्वयं शक्ति सहकार, डेयरी सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण से बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण, विनियमन आदि कार्य ऑनलाइन होंगे, जिससे कार्य सुगमता, कार्य में तेजी, पारदर्शिता, पेपरलेस ऑफिस आदि लाभ मिलेंगे। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023। इस अधिनियम द्वारा 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाहित किया गया है, जिससे बहुराज्य सहकारी समितियों में कार्यकुशलता, सुशासन, निष्पक्ष चुनाव आदि सुनिश्चित होंगे। सहकारी क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से सहारा समूह के निवेशकों को उनकी जमा राशि का रिफंड मिलना शुरू हो गया है और ये प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही है। स्वतंत्र मंत्रालय बनाने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं। समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सरकार के इन प्रयासों से सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्यों को महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। सहकारिता के क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के किसान को आर्थिक रूप से संपन्न, समृद्ध बनाना ही सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य है। धन्यवाद। अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी को निवेदन करती हूं कि सभा को संबोधित करें। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय पंजीयत सहकारी समितियों के कार्यरत
कार्यालय द्वारा मल्टी स्टेट सहकारिता संस्थाओं के कार्य सुलभता हेतु निर्मित वेब पोर्टल लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होने के सहकारिता की नगरी आईटी की नगरी पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में पधारे हुए केंद्रीय गृह मंत्री तथा सहकार मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बी एल वर्मा जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, महाराष्ट्र के सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी, अपने पुणे के गार्डियन मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उपस्थित भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय संसद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडल के सम्माननीय सदस्य और सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्थानिक इकाइयों के जनप्रतिनिधि केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार जी, विशेष सचिव विजय कुमार जी और महाराष्ट्र के सहकार सचिव राजेश कुमार जी, सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, सहकारिता क्षेत्र के लगाव रखने वाले सभी शुभचिंतक और पत्रकार मित्रों का भी मैं स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी भाई बहनों को, युवा मित्रों का राज्य का उप मुख्यमंत्री तथा सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ता के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। सहकारिता से समृद्धि, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य पूर्ति हेतु केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में देश की सहकारिता क्षेत्र में नए बदलाव हो रहे हैं, यह हम सब देख रहे हैं। यह बदलाव सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, संस्थाओं को, पदाधिकारियों को विचार विमर्श करके बाद सहमति से हो रहे, देश के लोगों के, देश के व्यापक हित को सामने रखकर ये सब किए जा रहे। आपने देश में सहकारिता क्षेत्र का इतिहास करीब 120 साल का है। इन 100-120 साल में सहकारिता केवल एकमेव क्षेत्र है जो हर गांव, हर कस्बे, हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति लाने में सहकारिता क्षेत्र ने हर समय, हर परिस्थिति में योगदान दिया है। मुझे खुशी है और हर्ष है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यालय में पहली बार केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय स्थापन करने का निर्णय हुआ और देश के पहले सहकार मंत्री के तौर पर माननीय श्री अमित भाई ने इस महत्वपूर्ण नेतृत्व संभाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सहकारिता से समृद्धि का ये लक्ष्य प्राप्त करने हेतु माननीय अमित भाई के नेतृत्व में केंद्रीय सहकार मंत्रालय हर संभव कोशिश कर रहा है। उनके हर कोशिश को हमारा पूरा साथ रहेगा, ऐसा विश्वास मैं आप आज से इस समारोह के उपलक्ष्य में देना चाहूँगा। माननीय अमित भाई गुजरात से आते हैं मगर अधिक प्रेम महाराष्ट्र से रखते हैं। आपको सब, अरे उनका कारण तो सुनो, कारण आप सभी को पता है कि वो महाराष्ट्र के दामाद है और मानो या न मानो हर दामाद जी को ससुराल से थोड़ा ज्यादा प्रेम हो ही जाता है। खुशकिस्मती की बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य कभी एक थे। सहकारिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों का इतिहास तथा वर्तमान गौरवशाली ही रहा है। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आदरणीय अमित भाई जी के नेतृत्व में आज मल्टी स्टेट सहकारी संस्थाओं के समन्वय, संचालन तथा नियंत्रण में सहजता लाने हेतु एक महत्वपूर्ण वेब पोर्टल का विमोचन, लोकार्पण हो रहा है। यह एक कदम है। ऐसे कई कदमों और निर्णय के माध्यम से महाराष्ट्र और देश में कार्यरत सहकारी संस्थाओं में उत्साह, सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा। सहकार क्षेत्र की समस्याएं दूर होने में मदद होगी। देश का सहकार क्षेत्र अपने लक्ष्य के ओर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा।
सहकारिता के माध्यम से समाज सभी वर्गों के आर्थिक सामाजिक विकास में अच्छा बदलाव आएगा, यह मुझे उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र और देश की सहकारिता क्षेत्र को आगे ले जाने में आज लोकार्पण हो रहे वेब पोर्टल अहम भूमिका अदा करेगा। इस जन उपयोगी महत्वपूर्ण पोर्टल की संकल्पना निर्मिति में सहयोग योगदान देने वाले सभी पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी भाई बहनों में अभिनंदन करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय सहकार मंत्री माननीय अमित भाई जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और देश का सहकार क्षेत्र बुलंदियों की नई ऊंचाई हासिल करेगा और इस सफर में महाराष्ट्र आगे रहेगा, यह विश्वास भी मैं आदरणीय अमित भाई और उपस्थित आप सबको देना चाहता हूँ। आज जैसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, सभी जगह में गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा पैमाने पे हमारे फार्मर्स निकालते हैं। मुझे मालूम है यहाँ अभी दिलीप वलसे पाटिल बैठे हैं, हर्षवर्धन पाटिल जी है, हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल है, हम सब कोऑपरेटिव में काम करने वाले लोग हैं। पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र जुड़ी हुई चीनी मिले किसानों को SMP ऊपर ज़्यादा दिए हुए गन्ना भुगतान के कारण इनकम टैक्स के मामले में पिछले 22 सालों तक जूझती आ रही है। 22 साल हो गए, मैंने तो इतने दफा अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर को हम सब जाके मिले कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस चलते सहकारिता चीनी उद्योग को 12,500 से 15,000 करोड़ तक पूरे देश में आयकर भुगतान केंद्र सरकार को देने की बड़ी नौबत थी और इस वजह से सारी सहकारिता चीनी मिले बंद होने का बहुत बड़ा खतरा था। इस राशि में हमारे महाराष्ट्र राज्य की सहकारिता मिलों को करीबन 7,500 से 9,000 करोड़ तक का बड़ा असर शामिल था और बार बार इनकम टैक्स की नोटिस आती थी, बार बार उसके बारे में हम दिल्ली जाते थे लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल सकता था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला करके सहकारिता क्षेत्र को देश में अधिक सक्षम करने के हेतु से नए और स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया। सहकारिता से समृद्धि, ये नारा देश को देते हुए अत्यंत कर्तव्य दक्ष आदरणीय अमित भाई जी शाह साहब को इस मंत्रालय की सही जिम्मेवारी सौंपी गई। मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए खुशी हुए, जब सहकारिता चीनी उद्योग का प्रतिनिधि मंडल इनकम टैक्स की इस समस्या को हल करने के लिए हेतु से आदरणीय अमित भाई जी को मिलने के लिए उन्होंने इस मंडल को आश्वस्त किया कि गन्ना किसानों और सहकारिता चीनी मिलों के हित में जरूर हल निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अनेक वर्षों से ये मामला दायर था और चीनी मिलों को बीच बीच में राहत के तौर पर कुछ रकम भरनी भी पड़ रही थी, लेकिन आदरणीय अमित भाई ने वित्त मंत्रालय के साथ इस पूरे मामले में को समझते हुए फाइनेंस बिल को लोकसभा सदन में पेश करके यह पूरा इनकम टैक्स माफ कर दिया। इससे सब भारत देश के और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों में एवं सहकारिता चीनी उद्योग को बड़ी राहत प्राप्त हुए। मैं आदरणीय अमित भाई शाह जी को महाराष्ट्र राज्य की सरकार, सहकारिता चीनी उद्योग और सारे गन्ना किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूं तथा उनका शुक्रगुजार करता हूं। मैं सच बताता हूं, 22 साल हम सब कोशिश कर रहे थे, किसी ने ये डेरिंग नहीं दिखाया, ये खाली अमित भाई ने दिखाया और उन्होंने उसमें ध्यान दिया, इसीलिए रास्ता निकला, नहीं तो ये रास्ता निकलने वाला नहीं था। हालांकि इससे अभी आगे जाके हाल ही में सीबीडीटी ने इस इनकम टैक्स के मामले में एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इसके चलते अब FRP के ऊपर इथेनॉल और को जनरेशन और सहकारिता चीनी उद्योग ने सही और पारदर्शी ढंग से काम करके पैसा जुटाया और किसानों को ज्यादा रकम दी तो राज्य सरकार की मान्यता रहते इस पर इनकम टैक्स नहीं लगाने वाला है। यह भी एक बड़ा दिलासा
हमको मिला है उसकी भी ऑर्डर बीच में ही हमें सबको मिली है। मैं आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मी एका कारखान्याचं नेतृत्व करतो, तिथं FRP मिळालेली आहे 2850 रुपये आणि आता तिथं मी काल फायनल तिथला भाव बघितला 3350 रुपये भाव निघालेला। आता मी कमिशनरकडे जाणार, कमिशनरला सांगणार की FRP पेक्षा 500 रुपये टनाला त्या शेतकऱ्यांना जास्त मिळत आहेत, ह्याला इन्कम टॅक्स बसला असता। परंतु फक्त आणि फक्त केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमितभाईंनी हा निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या किसानांना, देशातल्या किसानांना मदत झालेली आहे। जे चांगलं आहे ते चांगलंच आहे। मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की काही लोकांना कधी कधी प्रश्न पडतो, अजित पवारांनी असा का निर्णय घेतला, हे करण्याचं धाडस फक्त नरेंद्र मोदी साहेबांच्यात आणि अमित शहांच्या मध्ये आहे। तेच तुमच्या माझ्या देशाला नेतृत्व देऊ शकतात। आज स्वतः प्राइम मिनिस्टरांनी आपल्या देशातल्या जवळपास 25,000 कोटीचं 2025 पर्यंत 508 रेल्वे स्टेशन उत्तम करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये 13,539 करोड रुपये 23-24 बजेटमध्ये ॲलोकेशन केलंय। त्याच्यात 126 संपूर्ण देशातली रेल्वे स्टेशन आहेत आणि एकट्या महाराष्ट्रातले 44 रेल्वे स्टेशन त्याच्यामध्ये आहेत आणि त्यामध्ये आपला आकुर्डी आहे, त्याच्यामध्ये आपलं दौंड आहे म्हणजे पुणे जिल्ह्यातलं आणि माझ्या माहितीप्रमाणे वडगाव मावळ आहे आणि महाराष्ट्रातले इतर आहे। ह्याच्या आधीच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं धाडस कुणी दाखवलं नव्हतं। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आत्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या कडनं 80,000 कोटीची कामं चालू आहेत, 80,000 कोटीची। मग ते नॅशनल हायवे असतील, ते एअरपोर्ट असतील, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे पोर्ट असतील, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे महत्त्वाच्या हे असे रेल्वे स्टेशन असतील, अशा प्रकारचं काम आज देशामध्ये जर अनेक लीडर आपण बघितले तर ते फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी साहेबच करू शकतात। आणि त्यामुळं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटलं की अशा नेत्याच्या पाठीशीच आपण उभं राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यातून तुमच्या माझ्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा, देशाचा तर विकास ते करतायतच। कधी सुट्टी नाही, काही नाही, दिवाळी नाही, दिवाळीला नरेंद्र मोदी साहेब तिकडं बॉर्डरवर जाऊन जवानांना भेटतात। गेल्या 9 वर्षामध्ये ज्या प्राइम मिनिस्टरनी कसल्याही प्रकारची सुट्टी घेतली नाही, अशा प्रकारचे प्राइम मिनिस्टर मी मागच्या कुठल्या प्राइम मिनिस्टरच्या बद्दल अपमान करणारे शब्द वापरणार नाही, परंतु हे फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी साहेबच करू शकतात। आज देशाला त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही, जगामध्ये मान्य झालेलं ते नेतृत्व आहे आणि आज अमितभाई देखील तितक्याच तडफेने काम करतात। मला देखील एखादं काम त्यांना सांगितल्यानंतर ताबडतोब त्याचा निकाल लागतो। आज देखील मी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब 1 तास त्यांच्याशी चर्चा करत होतो। आम्ही मेट्रोच्या बद्दलचं काम त्यांच्या कानावर घातलं, आम्ही त्याच्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्या पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल लाईन के बारे में उनके साथ हमने बात की, उन्होंने बताया उसके बारे में ठीक से निवेदन मेरे पास भेज देना, ये दोनों भी काम मैं महाराष्ट्र के लिए करने के लिए तैयार हूं, ऐसा पॉजिटिव अप्रोच उनका रहता है, इसीलिए हम बहुत खुश है। मैं फिर एक दफा आप सबको और अमित भाई जी को और सभी साथियों को धन्यवाद अदा करता हूं और मेरे वीरों को शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आपको निवेदन करती हूं कि सभा को संबोधित करें। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटीजच्या पोर्टलच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर उपस्थित भारताचे कणखर गृहमंत्री आणि पहिले सहकारिता मंत्री
आदरणीय अमित भाई शाहजी, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय राज्यमंत्री बी एल वर्मा जी, महाराष्ट्राच्या विकासाकरता मोदीजींच्या नेतृत्वात एक नवीन इंजिन म्हणून आमच्या सोबत जे जुडले ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी सन्माननीय चंद्रकांतदादा पाटील जी, दिलीपराव वळसे पाटील जी, राधाकृष्ण विखे पाटील जी, त्याचप्रमाणे सहकारिता मंत्रालयाचे सचिव श्री ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव श्री विजय कुमार, आपले अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार या ठिकाणी उपस्थित, सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार, माजी खासदार, लोकप्रतिनिधी, सहकार क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्व कार्यकर्ते, भगिनी आणि बंधूंनो, मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं सर्वप्रथम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री माननीय अमितभाई शहाजी यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. महाराष्ट्राची भूमी ही सहकाराची भूमी आहे. आपल्याला कल्पना आहे की पद्मश्री विखे पाटील जी असतील, वैकुंठभाई मेहता असतील, धनंजयराव गाडगिळ असतील, यांनी या महाराष्ट्रामध्ये सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली आणि त्यानंतर देशामध्ये सर्वाधिक सहकार हा ग्राम पातळीपर्यंत जर कुठे पोहोचला असेल तर तो महाराष्ट्रामध्ये पोहोचला. सहकारातनं समृद्धी येऊ शकते अशा प्रकारची व्यवस्था ही महाराष्ट्राने उभी केली आणि त्यातूनच एक मोठं सहकार क्षेत्र महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालं. आणि मला असं वाटतं की हेच कारण आहे की ज्यावेळी माननीय अमित भाईजींनी सहकारिता मंत्रालय स्वीकारल्यानंतर नवीन कायदा केला आणि या कायद्याच्या अंतर्गत देशभरामध्ये गाव पातळीपर्यंत सहकाराचं जाळं नेलं पाहिजे याकरता व्यवस्था उभी केली आणि सगळी व्यवस्था ही डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेनं त्या ठिकाणी सगळ्यांना उपलब्ध झाली पाहिजे अशा प्रकारचं एक अत्यंत आधुनिक आणि सुलभ असं पोर्टल तयार केलं. या पोर्टलचं उद्घाटन अमितभाई दिल्लीला देखील करू शकले असते, त्याचं उद्घाटन ते गुजरातमध्ये देखील करू शकले असते, पण खऱ्या अर्थानं सहकाराची पंढरी महाराष्ट्र आहे आणि म्हणून अमितभाईंनी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातही पुणे जिल्हा हा या ठिकाणी निवडला आणि आज या पोर्टलचं उद्घाटन हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यात होत आहे. मी खरोखर आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं अमितभाईंचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे सहकारिता मंत्रालय हाती घेतल्यानंतर ज्या गतीनं त्यांनी बदल केले आहेत, आत्ताच अजितदादांनी सांगितलं की कशा प्रकारे इन्कम टॅक्सच्या संदर्भात वारंवार केंद्र सरकारकडे त्या ठिकाणी डेलिगेशन जायचे आणि हात हलवत परत यायचे. केवळ मला तर अनेक लोकांनी सांगितलं की आम्ही केवळ सगळे साखर कारखानदार सुप्रीम कोर्टातल्या सिनियर वकिलाची फी देण्याकरताच त्या ठिकाणी एकत्रित यायचो अशा प्रकारची आमची अवस्था होती. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात एक डेलिगेशन घेऊन आम्ही माननीय अमितभाईजींना भेटलो आणि पहिल्या झटक्यात त्यांनी सांगितलं की मी याचा पूर्ण अभ्यास केलाय आणि ते म्हणाले की हे अतिशय चुकीचं आहे की शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून इन्कम टॅक्स लावायचा, हे मोदीजींच्या राज्यात मी चालू देणार नाही आणि हा सगळा इन्कम टॅक्स मी रद्द करीन. आणि केवळ त्यांनी इन्कम टॅक्स रद्द केला नाही तर तो तर केलाच, पण काही लोकांनी तो त्या त्या वेळेच्या अडचणींमुळे भरला होता तोही ऍडजस्ट करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी त्यांनी केलं. आणि खऱ्या अर्थानं
शेतकऱ्यांकरता एखाद्या सरकारने विचार केला हे कठीण होतं, कारण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा डेलिगेशन जायचे तेव्हा तेव्हा अर्थमंत्री सांगायचे कायद्यात बदल करावा लागेल, रेट्रोस्पेक्टिव कायदा बदलता येत नाही, इन्कम टॅक्सचा कायदा आहे त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहेत, पण अमित भाईंनी या ठिकाणी त्यांचं देखील व्यक्तिमत्व हे सहकारातनं घडलंय, सहकार क्षेत्रामध्ये अमित भाईंनी अतिशय चांगलं काम केलं आहे, ते सहकारी जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून राज्य सहकारी बँकेवर वेगवेगळ्या सहकार क्षेत्रात त्यांनी काम केलं असल्यामुळे सहकार काय असतो हे तंतोतंत माहिती असल्यामुळे अमित भाईंनी त्यातनं असा मार्ग काढला की त्या ठिकाणी वर्षानुवर्ष जे कोणाला जमलं नव्हतं ते झालं आणि हा इन्कम टॅक्स रद्द करण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी केलं। एवढंच नाही तर आपल्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना एनसीडीसीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मदत करण्याचं काम असेल, किंवा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात गेल्या काळामध्ये या ठिकाणी आपल्या साखर उद्योगाकरता झालेले अनेक निर्णय असतील की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅकेजेस असतील, इथेनॉलच्या संदर्भातला निर्णय असेल, एमएसपीच्या संदर्भातला निर्णय असेल, या सगळ्या निर्णयांनी खऱ्या अर्थानं केंद्र सरकारचं सहकार विभागाकरता किंवा सहकार क्षेत्राकरता जी संवेदनशीलता आहे ती संवेदनशीलताच आपल्याला बघायला मिळाली। मगाशी अजितदादा असं म्हणाले की त्यांचं महाराष्ट्रावर विशेष प्रेम आहे कारण ते महाराष्ट्राचे जावई आहेत, हे तर खरं आहे, पण एक गोष्ट अजून या ठिकाणी सांगितली पाहिजे की माननीय अमित भाईंचा जन्म मुंबईचा आहे, त्यांची कर्मभूमी जरी गुजरात आणि देश असेल तरी देखील जन्मभूमी महाराष्ट्र आहे, आणि आपल्यापैकी अनेकांना माहीत नसेल की अनेक काळ ज्यावेळेस ते राजकारणात नव्हते आणि उद्योग चालवत होते त्यावेळेस त्यांनी आपली फॅक्टरी देखील महाराष्ट्रात चालवलेली आहे, त्यामुळे काही काळाची कर्मभूमी ही देखील महाराष्ट्र राहिली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातली एक एक गोष्ट, एक एक जिल्हा, एक एक भाग हा त्यांना माहिती आहे, महाराष्ट्राची स्ट्रेंथ काय आहे ती त्यांना माहिती आहे, आणि म्हणूनच जेवढे डेलिगेशन्स महाराष्ट्रातनं सहकार क्षेत्राकरता गेले त्या प्रत्येक डेलिगेशनला अत्यंत सकारात्मक अशा प्रकारचा निकाल त्या ठिकाणी निघाला। आता नवीन कायद्याच्या माध्यमातून मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजला देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पारदर्शिता कारभारात आणण्याकरता मदत होणार आहे। अनेक अडचणी होत्या, अनेक वेळा तर कायद्यातली तरतूद नसल्यामुळे सोसायटी थेट लिक्विडेशन मध्ये निघून जायची आणि त्याच्यामध्ये अनेक वेळा अडचणी तयार व्हायच्या, पण आता अशा परिस्थितीमध्ये लिक्विडेशन मध्ये जाण्याच्या आधी त्याच्यावर प्रशासक बसवून ती आपल्याला पुन्हा पुनरुज्जीवित करता येते का अशा प्रकारचे बदल देखील आता माननीय अमित भाईंनी कायद्यामध्ये करून घेतले, आणि त्यामुळे सामान्य माणसाचा जो पैसा अनेक वेळा त्या ठिकाणी बुडतो तो बुडणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था देखील आता तयार झालेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं आपण मगाशी प्रेझेंटेशन मध्ये बघितलं जी फिल्म होती की आता आपल्या पॅक्सला मजबूत करण्याचा आणि अगदी शेवटची जी आपली प्राथमिक सहकारी सोसायटी आहे तिला मजबूत करण्याचा आज एक अतिशय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हा केंद्र सरकारने हातामध्ये घेतलाय, आणि मला असं वाटतं की जेव्हा शेवटच्या माणसापर्यंत सहकार मजबूतीनं पोहोचेल तेव्हाच खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की गावापर्यंत समृद्धी पोहोचेल। आज आपण बघत होतो की मोठ्या प्रमाणात गेल्या काही काळामध्ये आमच्या या प्राथमिक सोसायट्या हळूहळू रिडंडंट होत होत्या किंवा पर्यायी व्यवसाय न मिळाल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्या केवळ मतदानापुरतं सीमित होत्या, काही ठिकाणी तर आम्ही असं म्हणायचो की पिशव्यातल्या सोसायट्या आहेत, त्या केवळ मतदान आल्या की सोसायट्या बाहेर येतात आणि बाकी वेळेस त्या सोसायट्या बंद असतात, अशा सगळ्या सोसायट्या पुनरुज्जीवित करण्याचं काम हे आता माननीय अमित भाईंनी हातामध्ये घेतलंय आणि अतिशय उत्तम कार्यक्रम त्याच्याकरता आता या ठिकाणी त्यांनी तयार केलेला आहे। आपण सगळ्यांनी तो फिल्म मध्ये बघितला की ज्यातनं वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस हे आता त्या ठिकाणी मिळणार आहे। महाराष्ट्र में भी आदरणीय गृहमंत्री जी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्मार्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में 10,000 गांवों में हमारे जो पैक्स है इनको हम एग्री बिजनेस सोसाइटी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
और इनको ट्रेनिंग देकर और इनको वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हम लोग वित्त पुरोठा देकर और एक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाकर हम लोग डायरेक्ट हमारे किसानों को मार्केट का एक्सेस कैसे मिले, इस प्रकार की योजना हमने इसको तैयार किया है और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमने इसको शुरू किया है। लेकिन अब हमारी इस योजना को ज्यादा ताकत मिलेगी क्योंकि आपने जो योजना शुरू की, इस योजना का कॉन्वर्जेंस जब हमारी योजना के साथ हम करेंगे तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो स्वप्न हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा ग्राम स्वराज का, या जो स्वप्न हमारे राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज ने देखा ग्राम स्वराज का, उस स्वप्न को अब हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो योजनाएं आपने अब तैयार की है इन सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस हमारी योजनाओं के साथ करके मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से देश के अंदर पहला सबसे अच्छा मल्टीपर्पज एग्री बिजनेस सोसाइटी का मॉडल जो आपके मन में है ये महाराष्ट्र में करके दिखाएंगे और इसको पूरे देश में ले जाएंगे। इतना ही आज के इस मौके पर कहता हूं और आपका ऐसा ही स्नेह ऐसा ही प्यार महाराष्ट्र के प्रति बना रहे इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, अतिशय उपयुक्त असं मार्गदर्शन देवेंद्र जी आत्ताच केलेलं आहे। यानंतर मी माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी को निवेदन करती हूं कि वो सभा को संबोधित करें। महाराष्ट्रामध्ये सहकाराचं बीज ज्या पुणे जिल्ह्याने रोवलं त्या पुण्यनगरीमध्ये सहकारातून समृद्धीचा मंत्र साकार करणारे केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने महाराष्ट्राच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री सहकार राज्यमंत्री बी एल वर्माजी, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्याचे आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील जी, राधाकृष्ण विखे पाटील, आपले पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारिता सचिव भारत सरकार ज्ञानेश कुमार जी, विजय कुमार जी, राजेश कुमार आमचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकार, उपस्थित सर्व खासदार आमदार आणि सर्व मान्यवर आणि पत्रकार मित्रांनो, आजचा अतिशय हा आपल्या महाराष्ट्राच्या आणि सहकार्याच्या दृष्टीने अतिशय एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। कारण अमितभाईंनी सहकार मंत्री झाल्यानंतर अनेक क्रांतिकारक निर्णय या सहकार विभागामध्ये घेण्याचं धाडस केलेलं आहे। दो वर्ष पहिले जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई तब ये मंत्रालय क्या करेगा, क्या करने जा रहा है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी, स्पष्ट चित्र भी नहीं था। परंतु जैसे ही अमित भाई के पास इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई तब सभी को पूरा विश्वास हो गया कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। इसका अनुभव भी हुआ, विश्वास भी हुआ। सहकारिता और सहयोग जैसे गुण अमित भाई के स्वभाव में ही है और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए में शामिल सभी दलों का तालमेल बनाए रखना, अलग अलग नेताओं को एक विचार और एक सूत्र में बांधना और सबको जोड़कर देश के हित के प्रति विचार करना,
इसी को सहकारिता कहा जाता है और वही अमित भाई कर रहे हैं। अपने इस गुण विशेष का उपयोग उन्होंने सहकारिता मंत्रालय में भी कर दिखाया है। अमित भाई ने इस मंत्रालय के माध्यम से, मैंने अभी अभी कहा, जैसे अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। इसी कारण सहकारिता विभाग में नई चेतना भी जागृत हुई है। आज इस पोर्टल का उद्घाटन होने जा रहा है और वह सहकारिता क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन होगा। इस नए पोर्टल के कारण आवेदन की स्थिति, नोटिस, आदेश, सोसाइटी के प्रमाण पत्र और अन्य विवरण आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे जनता को, किसानों को काफी लाभ होगा। इस पहल के लिए मैं अमित भाई के सशक्त नेतृत्व में काम कर रहे पूरे सहकारिता विभाग को बधाई देता हूं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। महाराष्ट्र राज्य के विकास में सहकारिता क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। राज्य में विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों का विकास इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से ही हुआ है। हम सब जानते हैं, आदरणीय हमारे विठलराव विखे पाटिल जी, हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी के दादाजी, इनका बहुत बड़ा योगदान इस सहकार क्षेत्र में रहा है, ये हम सब जानते हैं। आज राज्य में लगभग 2,20,000 सहकारिता संस्थाएं हैं, जबकि राज्य में 600 से अधिक मल्टी स्टेट बैंक और सोसाइटी कार्यरत है। कोऑपरेटिव संस्थाओं में 5,28,00,000 सदस्य है। इतनी बड़ी संख्या है, उनके बैंक डिपॉजिट 2,31,000 करोड़ से ज्यादा और वर्किंग कैपिटल 4,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अभी पहले वक्ताओं में ने भी कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिनको हम पैक्स कहते हैं, इस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आधार पैक्स है। देश में सबसे अधिक 21,000 पैक्स महाराष्ट्र में है, यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इन पैक्स को एम्पावर करने और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने का काम सबसे पहले जिन्होंने किया होगा, उनका नाम है अमित भाई शाह। और इस योजना के माध्यम से लास्ट माइल किसान को केंद्र बिंदु मानते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम करने का क्रांतिकारी निर्णय अमित भाई ने लिया है और यह उनका प्रयास भी है। यह काम सरल नहीं था, क्योंकि कारगर तरीके से चल रहे सहकारिता क्षेत्र में कई गड़बड़ियां भी सामने आ रही थी। कई लोगों ने सहकारिता क्षेत्र का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना भी शुरू किया था, जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहा था। जिस तरह किसी भी क्षेत्र में एक समय बीतने के बाद सैचुरेशन आ जाता है, और वैसे ही सहकारिता क्षेत्र में भी हो रहा था। सहकारिता क्षेत्र इनडिसिप्लिन, ऑटोक्रेसी, लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा पीछे जा रहा था, और इसीलिए इन संस्थानों का राजनीतिक उपयोग भी करना शुरू हुआ था दुर्भाग्य से। पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया, और आज माननीय अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है, ये भी मैं यहाँ पर कहूंगा। मुझे पता है अमित भाई ने जब एक बार जो ठान ली तो काम को अंजाम दिए बिना वो चैन की सांस नहीं लेते। ये अपने साथ वो पूरी टीम को भी मोटिवेट करते रहते हैं, वो बिना रुके बिना थके अपना काम पूरा करते हैं। कभी भी मैंने तो उनके चेहरे पे कभी भी थकान कभी नहीं देखी, हमेशा काम में, देश के प्रगति में उनको हमेशा मग्न हमें देख, हम सभी ने देखा है। और इसीलिए उनके तथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका और उनका उत्साह देखकर
हमें सबको, हमें भी अपना काम को और बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री और अमित भाई का जो बहुत अच्छा समन्वय, बॉन्डिंग अपने एक अपने आप में एक अपने सहकार और सहयोग का एक आदर्श प्रतीक है, ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। और इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर हम सोचते हैं, जब सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व अमित भाई ने संभाला, तब उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, पूरे देश की जिम्मेदारी थी, और कैसे सहकारिता जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभाग का प्रबंध कैसे होगा। लेकिन अभी अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनका शुरुआती ये सहकार क्षेत्र से हुआ है, इसलिए पूरी तरह ये सहकार क्षेत्र की अनुभूति अनुभव उनको था। और अभी हमें पता चल रहा है कि सहकारिता क्षेत्र के लिए अमित भाई जैसे मजबूत व्यक्ति का नेतृत्व वरदान सिद्ध हुआ है। ये उनके काम से, उनके कार्य से, उनके उन्होंने लिए हुए निर्णय से हमें दिखाई पड़ रहा है। केवल 25 महीनों में 45 ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्थान हो रहा है, प्रगति हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभी पहले भी अजीत दादा ने भी कहा और देवेंद्र जी ने भी कहा है कि जो महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री जब तकलीफ में थी, संकट में थी, तब हम गए थे अमित भाई को मिलने, मैं भी और हमारे साथी मंत्री, और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे है, मुझे मैंने पता है, ये अभी निर्णय लेना पड़ेगा, हमने सोच रखा है। आपको बताऊंगा कि 10,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स माफ करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। और ये शुगर इंडस्ट्री जो है, ये गन्ना खेती करने वाले किसान है, उनको राहत देने का काम उन्होंने किया। अजीत दादा ने कहा कि 15-20 सालों से ये निर्णय नहीं हो रहा था, देखते करते हैं, सोचते है, ऐसा ही उनको जवाब मिल रहा था। अजीत दादा बराबर है, आपने कहा इस वक्त, और लेकिन इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए होती है, धाड़स पाहिजे ना, आपले लहला हेला धाड़स पाहिजे। आणि अमित भाई ने हे जे काही निर्णय घेतला वो काबिले तारीफ है, आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। जसं त्यांनी जिस स्तर उन्होंने हिम्मत से कश्मीर से धारा 370 कलम को हटाया और देश को, देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए भी हिम्मत चाहिए। तभी भी कितने साल सोच रहे थे लोग, अरे भाई हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई जी ने हिम्मत दिखाई और ऐसा स्मूथ ऑपरेशन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला 370 गायब। और इसलिए उन्होंने हिम्मत से शुगर इंडस्ट्री को भी नव संजीवनी दिलाई है। इस निर्णय के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देश के आज 11,770 किसान उत्पादक FPO जो है कार्यरत है, और उन के माध्यम से देश के लाखों किसानों की आय में, इनकम में, उत्पन्न में वृद्धि होगी, और ये उनके लिए भी बहुत ही फायदा होगा। जिसके लिए और भी 10,000 FPO स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। केंद्र सरकार ने उसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है। उल्लेखनीय है कि रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक, प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक, और स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक सारी व्यवस्था FPO के माध्यम से की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सारी प्रोसेस एक क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा और देश को और राज्य को बड़ा लाभ होगा। मैं ये भी कहूंगा पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। राज्य की 12,000 क्रेडिट सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र ने बहुत बड़ी राशि दी है, जिसके कारण राज्य के किसानों को देश और विदेश को बाजार में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। और ये सब जो हो रहा है, अभी अजीत दादा जी ने कहा
कि 2000 हमारे चीनी का उत्पन्न जो है जो 105 लाख मेट्रिक टन का 2022-23 में था, अब 21 लाख टन उस टाइम उस वक्त निर्यात भी हुआ, और हमारी शुगर फैक्ट्री जो है वो तेल कंपनियों के लिए 135 करोड़ लीटर एथेनॉल देने की क्षमता भी रखता है। ये भी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। आज सही माने में युवाओं को इस सहकार विभाग की ओर आकर्षित करने का काम भी, निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित भी करने का काम होगा, और ये भी अच्छी बात है, वो भी इस सहकार विभाग से जुड़ने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, यह मूल मंत्र अपनाने का काम हमारे अमित भाई जी के मार्गदर्शन में ये हो रहा है, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि सहकार से समृद्धि इस नारे से न केवल सहकार क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि कृषि, पनन, ग्राम विकास को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बलशाली भारत का जो अपना सपना है वो भी साकार होने में इस बड़े निर्णय का बहुत बड़ा उपयोग होगा, और इसीलिए कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार, और यही शाश्वत सत्य है। और इसीलिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो सपना है, ये सपना भी ये ऐसे क्रांतिकारी जो सहकार विभाग में हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा, ऐसा हमेशा आदरणीय अमित भाई भी कहते हैं, और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजीत दादा ने कहा कि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश नई ऊंचाई को छू रहा है, देश का नाम बड़े गौरव के साथ पूरी दुनिया में ले रहा है, कोई उनको बॉस कहता है, कोई उनको गले लगाता है, कोई उनको वर्ल्ड लीडर के हैसियत से देखता है, और राज्य का विकास भी जब हम शुरू किया एक साल पहले जब मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई के मार्गदर्शन में जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी ताकत से हम सरकार के पीछे खड़े रहेंगे, पूरा शब्द उन्होंने निभाया है, पूरी ताकत से वो खड़े हैं और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा मदद करते हैं। देखो जो है वो बाबा साहब ठाकरे जी कहते हैं, जो सच है सच कहना ही चाहिए, और जो है अच्छा उसकी वाहवाह करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारा एक भी प्रस्ताव बिना कटौती के मंजूर होता है। आज प्रधानमंत्री जी भी आज कितने 500 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, उसमें 44 महाराष्ट्र के हैं, वंदे भारत की ट्रेनें शुरू हुई है, कई ऐसे काम है, मेट्रो के लिए सहयोग मिल रहा है, और इसलिए ये डबल इंजन वाली सरकार जो है ये एक जब राज्य और केंद्र एक विचार की सरकार होती है तो बड़े तेजी से विकास होता है, और इसीलिए इस तेजी के विकास के साथ अजीत दादा भी हमारे जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और अभी पूरी ताकत से एक ही हमारा लक्ष्य है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन लाना, उनके जीवन में आनंद लाना, और इस राज्य में एक राज्य जो है हमारा आज बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू है, जो देवेंद्र जी के समय में शुरू हुए थे, 2.5 साल में बंद हुए थे, हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, हम इतना ही चाहते हैं हमारे राज्य के निर्णय से जनता का भला हो, जनता को सुविधा मिले, ये राज्य का विकास हो, इतना ही चाहते हैं। और आज मैं फिर एक बार अमित भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके जैसा नेता इस राज्य के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, इसलिए आप जो चाहते हैं इस राज्य का विकास, वैसे हम पूरे दिल से मेहनत करके, हम लोग 24/7 वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, आप खाली आशीर्वाद रखो मैं और हमें ताकत दो और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को सशक्त करने के लिए केंद्रीय पंजीयक कार्यालय संबंधित एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत है। ए भी प्लीज।
भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और राष्ट्र की इस उन्नति में सहकारी क्षेत्र की भूमिका विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को साकार करने के लिए नवगठित सहकारिता मंत्रालय ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारी समितियों को मजबूत करने और उनके व्यापार में सुगमता को बढ़ाने के लिए 48 से भी अधिक पहल की हैं। एक से अधिक राज्यों में सक्रिय सहकारी समितियां संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 द्वारा शासित होती हैं। बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए संविधान की धारा 243 ZHF और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 4(1) के तहत केंद्रीय पंजीयक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में 1,550 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां हैं जिनसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन इस सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश में, देश के GDP में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम संशोधन 2023 जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में शामिल करना, चुनाव संबंधी सुधार, बोर्ड की संरचना व सदस्यता में सुधार, प्रशासन का सशक्तिकरण, सहकारी समितियों के लिए निधियों की व्यवस्था, निगरानी तंत्र का सशक्तिकरण, व्यापार करने में सुगमता और अन्य सुधार। बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। समिति के सदस्यों की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए सहकारी ओम्बुड्समैन नियुक्त किए जाएंगे। हर समिति द्वारा सदस्यों को जानकारी देने के लिए एक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यदि सदस्य जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो वे सहकारी ओम्बुड्समैन के पास अपील दायर कर सकेंगे। बहुराज्य सहकारी समितियों के वित्त की लेखा परीक्षा के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा लेखा परीक्षकों का एक पैनल भी नियुक्त किया जाएगा। इन समितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय पंजीयक का नया कार्यालय बनाया जा रहा है जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक प्रणालियों से सुसज्जित होगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को मजबूत किया जा रहा है। कार्यालय को अधिक सक्षम बनाने के लिए 32 तकनीकी पदों का सृजन किया गया है। सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने की श्रृंखला में केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रयास सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। धन्यवाद। सहकारिता मंत्रालय ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन से सहकारिता क्षेत्र में शुगर सेक्टर को आगे बढ़ाने में कई कदम उठाए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री प्रकाश नाइक नवरे MD राष्ट्रीय शुगर फेडरेशन की वह आभार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण तथा सभी माननीय आमंत्रित जन को प्रणाम।
संपूर्ण भारत वर्ष में कार्यरत सभी 259 सहकारी चीनी मिलों और 9 राज्य सहकारी चीनी संघों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना महासंघ का प्रबंध निदेशक होने के नाते मैं प्रकाश नाइक नवरे तहे दिल से आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम देश के दूरदर्शी और सर्वाधिक गतिशील प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी को हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त कर सकें, जिनके प्रयासों के कारण ही पूरे भारत भर के 5 करोड़ छोटे और सीमांत गन्ना उत्पादकों तथा संपूर्ण सहकारी चीनी क्षेत्र की शिथिलता को बढ़ावा मिला तथा उनके द्वारा दिए गए जबरदस्त प्रोत्साहन के कारण ही सहकारी चीनी क्षेत्र का विकास और प्रगति आज हो रही है। अब मैं हमारे निदेशक और महाराष्ट्र के पूर्व सहकारिता मंत्री श्री हर्षवर्धन पाटिल जी से ओपनिंग रिमार्क देने का अनुरोध करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी साहब का मैं सभी के ओर से हम सब तालियां बजाकर उनका दिल से स्वागत करेंगे। मंच पर सभी विराजमान हमारे सब नेतागण, शुगर फैक्ट्री के ओर से अभी हम जो सत्कार करने वाले हैं इसका एक ही वजह है कि देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार हमारे देश के लाडके प्रधानमंत्री जी ने पहला सहकारिता मंत्रालय बनाया और पहला सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री माननीय अमित शाह साहब जी है, इसलिए हम आपका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपने जब भी ये जिम्मेदारी आपने संभाली, हर एक के स्पीच में उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के बारे में, लेकिन इनकम टैक्स की जो अमाउंट है सर वो सिर्फ 10,000 नहीं है सर, वो उसका अगर इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिलाएंगे तो कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का माफी आपके वजह से और गवर्नमेंट के वजह से हमको मिली है सर। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात की सर कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो NCDC जो है सर उसके ओर से आपने 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लोन प्रपोजल का पैकेज आपने बनाया सर, और इससे पूरे देश में जो सहकारी चीनी मिले हैं उनका इथेनॉल का एक्सपांशन हो, डिस्टिलरी का एक्सपांशन हो, कोजन का एक्सपांशन हो, मार्जिन मनी हो, कैपिटल मनी हो, तो इसके बारे में आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं बड़े दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूं। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सर आपने जो बनाई है वो 2 लाख करोड़ की स्कीम है सर, और ये 2 लाख करोड़ की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से भी सर महाराष्ट्र और देश में इथेनॉल का बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग बनने वाला है। और लास्ट में सर, आपने जो नई सहकारिता पॉलिसी निकाली है सहकारिता से समृद्धि, ये नई पॉलिसी जो है इससे निश्चित रूप से हर देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत मदद हो जाएगी। मैं हमारे नेशनल फेडरेशन के चेयरमैन दांडेको साहब को विनंती करता हूं। ने